उसको वोट फरमा
ये जनता बनती है, इनको मालूम नहीं कि ये सिर्फ छूने से नहीं होता। बड़े आए मिठाई वाले, एक 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 तुम सिखाओगे उनको, अरे तुम सिखाओगे समाज के असामाजिक तत्व, एक्स के मरीज है तुम लोग का छूत, बहुत छूत, बहुत ज्यादा बोल रहे यार, बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जय यूनानी बीमारी पाल के बैठे हो और समाज में घूमते हो कि दूसरों को हो जाए बीमारी, वो भी घिनौनी, घिनौनी बीमारी और तुम लोग घिनौने लोग, समझे? जहाँ बैठे हो ना वही बैठे रहो और सुनो, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहना, क्या पता गंदगी छोड़ दे भाई, समझे? पता चले इसका जो कीटाणु है हवा में फैल के हमारे अंदर ढक कर से घुस जाए, है मुंह ढक के बैठना, मैं तो चप्पल उतारी मारूंगा, दस चप्पल उतारी। है खाना ले, तुम भी तो खाओ क्या? अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त संचरण से एड्स हो
और अगर किसी के माता पिता को एड्स है तो उसका एचआईवी पॉजिटिव होना संभव है, समझा रे? अरे भाई समझ गए। और उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति जीना ही छोड़ दे, हमें उसके साथ साधारण व्यवहार करना चाहिए। जब किसी के साथ बैठने से, जब किसी के साथ बैठने से, छूने से या उसे बांध करने से एड्स नहीं होता है तो फिर उसके साथ ये भेदभाव क्यों? बहुत भेदभाव कर दिए भैया। अब तो इस रोग पर काबू भी किया जा सकता है, और अब तो इस रोग पर काबू पाना भी संभव हो गया है। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी एआरपी का सही इस्तेमाल करने से इस रोग को बढ़ने से कम किया जा सकता है। सरकार ने भी इस बीमारी से बचाव के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो हर राज्य में स्थित है। अरे वाह वाह भैया, और कुछ कर रही है? और सरकार ने एड्स कैंपेन निकाला है। और तो और सरकार ने इससे बचाव के लिए एक ऐप का भी ऐप भी शुरू किया है। कौन सा? नाम को एड्स ऐप। अरे भैया मतलब के माध्यम से आप लोग अपने संक्रमित होने की या संक्रमित नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भैया मेरे पास फोन नहीं है भैया। और तो और जो व्यक्ति फोन नहीं चला पाता है उसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1097 का भी रक्त संचरण से इन सब जगह होता है, खाने खाने चीखने साथ बैठने साथ में खाना खाने से ऐसे नहीं होता। कैसा कर रहा है ये जवाब कर, कैसा उल्टू है ये? और तो और जो व्यक्ति फोन नहीं चला पाता है वो 1097 पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, समझ गए सब समाज के अशब्द लोगो? हाँ भैया सब समझ गए भैया, माफ करिएगा बहुत ध्यान दिए किया। अरे लेकिन आज हम समझ गए। अरे क्या समझ गए हम लोग?